हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो गूगल के बारे में है। मतलब गूगल एक कितनी बड़ी कंपनी है और कितना बड़ा उसका नेटवर्क है ऑल वर्ल्ड में, तो इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस गूगल के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिए। बहुत ही यूजफुल है कि गूगल का नेटवर्क, गूगल की कंपनी बहुत ही बड़ी है। आप जो भी यूज करते हो, अगर गूगल कुछ भी इंटरनेट यूज करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल ही यूज करते हो। इसके वजह से वो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गूगल एक क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है और उसका नेटवर्क कितना बड़ा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल क्रोमा में। गूगल क्रोमा ओपन करने के बाद आप लोगों को मैं ऑप्शन दिखाऊं कि गूगल क्रोमा अगर आप ओपन करते हो तो आपको किधर जाना है, वो प्रोडक्ट्स किधर सर्च करना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ऐसी ऐसी विंडोज ओपन हो जाएगी, ये वाली, मतलब ये सर्च इंजन का विंडोज रहता है वो ओपन हो जाएगा। ये वाला सर्च इंजन का विंडोज है और कोई कोई भी चीज़ सर्च करनी है या रिसर्च करनी है तो हर आदमी ये सर्च इंजन का ही यूज करता है। इसके लिए गूगल का सर्च इंजन बहुत ही बड़ा एक प्रोडक्ट और नेटवर्क है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्च इंजन पे आए हम, तो इसके ये ऊपर वाली एक इधर वेबसाइट सर्च रहती है, इसके नीचे एक स्लाइड रहती है ये वाली पूरी। तो इसके इधर कोने में, मतलब लेफ्ट में कोने में आप देख रहे हो ऐप्स करके है, तो ऐप्स पे इधर क्लिक कर दीजिए। इधर इधर क्लिक करने के बाद इधर आपको गूगल के प्रोडक्ट कुछ, मतलब गिने चुने प्रोडक्ट्स ही इधर दिखाई देंगे, जो है वेब स्टोर। मतलब वेब स्टोर में ढेर सारे गूगल के ऑप्शंस रहेंगे। इधर डॉक्स लिखा है, इसमें डॉक्यूमेंट्स फिल रहता है। इधर गूगल ड्राइव है, जीमेल है, यूट्यूब है। तो ये इधर खाली पांच ही ऑप्शन दिए हैं। तो इधर वेब स्टोर पे क्लिक करते हैं। वेब स्टोर में एप्लीकेशन रहेंगी गूगल की, गूगल प्ले की उसकी एप्लीकेशंस रहेंगी। वो इधर इतनी ढेर सारी इधर एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप कंप्यूटर में या मोबाइल में डाउनलोड करके इसको यूज नहीं कर सकते। ये इधर जितनी भी एप्लीकेशन दी हुई है, ये आप एक, मतलब इधर राइट कोने में देख रहे हो, ये एक मैंने ये वाला एप्लीकेशन लगाया हुआ है ऑफिस करके, ये वाला एक एप्लीकेशन वेब एप्स, मतलब ये एक वेब एप्स रहती है। ये कोई ऐसे डाटा एप्स नहीं रहते, मतलब उसको डाउनलोड करोगे पीसी में, बाद में इसको इंस्टॉल करोगे और बाद में यूज करोगे, ऐसे वाली ये एप्स नहीं है। ये वाली एप्स ऐसे है जो वेब एप्स है, मतलब वो, और खाली आपको सिलेक्ट करना है और एक्शन कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके वो आपको इस कोने में दिखाई दे देगी। और दूसरी मैंने एड ब्लॉक की इधर लगाई है, वो भी वेब ऐप है। तो ये इधर मैंने खाली दो ही ऐप लगाई हुई है। तो इधर और भी बहुत सारी ढेर सारी यूजफुल ऐप है, अगर इसमें से कोई मुझे ऐप लगाना है, अगर मुझे गूगल ट्रांसलेशन का ऐप लगाना है, तो मैं इधर क्लिक करूँगा। मतलब ये डाउनलोड कुछ करना नहीं है, ये आपको इधर क्लिक करना है। इस ऐप को क्लिक करने के बाद ऐसी स्लाइड ओपन हो जाएगी, गूगल ट्रांसलेशन उनका पूरा डेटा आ जाएगा। और ये वाला ऑप्शन प्लस दिख रहा है, ये नीले कलर का, ब्लू कलर का, ऐड टू क्रोमा, मतलब ये कुछ आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको आप
गूगल क्रोमा में ऐसे सेव करके उधर इंस्टॉल करके, ये मैंने कैसे इधर उधर सेव करके रखी, अगर इसमें इधर सेव करके रख सकते हो, डायरेक्ट इधर वो ऑप्शन दिखाई दे देगा आपको बाजू में, गूगल ट्रांसलेशन, इधर ये ऑफिस, विंडोज ऑफिस का। अगर मुझे इसमें से किसी भी का यूज करना है तो मैं इधर ये ऑफिस पे क्लिक करूँगा। ऑफिस पे क्लिक करने के बाद ये इतने सारे मतलब ऑप्शन है, मुझे एक्सेल में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, या वर्ड्स में, या पावर पॉइंट में, वन नोट में, इसमें काम करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। वर्ड्स पे काम करना है तो वर्ड्स पे क्लिक कर दूंगा। उसका मतलब ऑनलाइन पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो। इधर मुझे अभी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, वो लॉगिन करो, बाद में इसको यूज करो। तो अभी ये इसको लॉगिन करके इतना मैं आपको नहीं दिखाने वाला, आप लॉगिन करके उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो। मतलब आपको हर चीज इंस्टॉल कर मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बाद में यूज करना इतना ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन भी गूगल क्रोमा से ऐप्स यूज कर सकते हो। तो इधर बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन दी हुई है, ये इतनी बहुत बहुत ढेर सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये शॉपिंग का, ईबे का है, ये भी देख सकते हो। अगर ये ऐसे ऐड टू गूगल क्रोमा लिखा है तो इसको ऐड करके ऐसे इधर ऐड करके बहुत सारी रख सकते हो और वो ऑनलाइन यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन लोगों का मतलब अच्छा है कि आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कचरा नहीं भरे, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये आप यूज कर सकते हो। ये हो गया गूगल, गूगल प्ले का मतलब गूगल क्रोमा, क्रोमा स्टोर का ये हो गया। तो अभी आपको जो गूगल प्रोडक्ट्स है, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया गूगल वेब स्टोर, ये एक प्रोडक्ट हो गया। मैंने आपको और तीन चार प्रोडक्ट्स भी बताए इधर, ये वाली मतलब ये वेब स्टोर, ये डॉक्स, ये गूगल ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, ये इधर खाली पांच ऑप्शन दिए। अभी हम चलते हैं जो गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी ये लेफ्ट वाला इधर चेक करके मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम चलते हैं राइट वाले में, ये सेक्शन में, ये इतने सेक्शन में, ये इधर देख रहे हो, इधर जीमेल है, इमेज है, इधर ये गूगल एप्स करके मतलब ऐसा जो डॉट 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 करके, इधर थ्री डॉट है, इधर थ्री डॉट, ऐसा ये बीच में दिखाया ये, और ये एक बेल आइकन का है, और इधर जो मेरा आईडी है वो दिखा रहा है। तो ये गूगल ऐप करके इस पर क्लिक करो, इसमें आपको जो ज़्यादा यूजफुल है ऐप्स वही पहले दिखाएगा आपको। इधर इधर माय अकाउंट, सर्च, मैप्स, यूट्यूब प्ले मतलब गूगल प्ले, न्यूज़, ट्रांसलेशन, जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर, जीमेल प्लस, गूगल प्लस, इधर फोटोज, और मोर पे क्लिक करोगे तो और सारी आएंगी, डॉक्स, बुक्स, ब्लॉगर, कॉन्टैक्ट, हडस, माई बिजनेस, कीप, क्लासरूम, अर्थ, इतनी बहुत सारी, और दिखा रहा हूँ आपको, इवन मोर फॉर गूगल। अभी अभी देख लेना, अभी इधर तो पूरा गूगल का प्रोडक्ट मतलब जितनी भी उनकी जो प्रोडक्ट्स है, जितने भी वेब्स हैं, वो सब इधर अभी दिखाई देता। सबसे पहले इधर ऊपर देख रहे हो, इधर एक और कंपनी और प्रोडक्ट्स, मतलब इधर दो ऑप्शन दिखाई गए हैं। तो और कंपनी में इधर कंपनी के बारे में खाली आपको जानकारी मिलेगी कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कैसा काम करती है, ये पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से।
इमेज जानकारी ऐसे ले सकते हो। तो इधर किधर किधर उन लोगों ने मतलब जो डेवलपर स्टडीज अरेंज किए हैं वो सब इधर दी उन लोगों ने दिया हुआ, इधर पूरा आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। गूगल और कंपनीज में उनका इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगा, और प्रोडक्ट्स में आपको गूगल की सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, इनके कितने सारे जॉब्स है, कितने सारे गूगल प्रोडक्ट्स है, उसमें आप उसको यूज करके उसको हर लाइफ टाइम में आप उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए ये सब सबसे पहला ये आपको गूगल डियो डियो करके आता है, ये ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन चैटिंग का है ऑप्शन ऐप से, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग का ऐप से ये। तो इस ये तो आप लोगों को मालूम रहेगा या आप लोग इसको यूज भी किया रहेगा। तो ये ऑप्शन है, और उसके नीचे ही चलते हैं तो गेट आंसर, इधर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग जो गूगल का सर्च इंजिन, ये वाला सर्च, ये सबसे पहले वर्ल्ड फेमस सर्च इंजिन हम लोग यूज करते हैं गूगल का, ये वाला सर्च इंजिन, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गूगल का प्रोडक्ट है सर्च इंजिन। उसके बाद मैप्स यूज करते हैं, और ये ट्रांसलेशन, क्रोमा, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंजेस यूज होने वाली ऐप्स है गूगल की। उसके नीचे ही वॉच, लिसन एंड प्ले, जो गूगल की मतलब ये वॉच, लिसन एंड प्ले मतलब देखो सुनो और सुनाओ, ऐसे सब इधर ऑप्शन से। तो ये यूट्यूब तो आप लोगों को मालूम ही है कि यूट्यूब पे हर कोई सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग्स सब इधर रहती है, तो यूट्यूब पे मिलती है। तो जब सबसे ज़्यादा आप आजकल के जमाने में तो बहुत सारा यूट्यूब पे यूज होने लगा है, बहुत बहुत मतलब बहुत आउट ऑफ रेंज गया है यूट्यूब का जो रेंज, वर्ल्ड फेमस रेंज पे यूट्यूब है सर्चिंग में, और उस पे वीडियो देखने का बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ गया है। उसके बाद में गूगल प्ले म्यूजिक, इसको भी आपने यूज किया रहेगा या आपको मालूम नहीं रहेगा, तो गूगल प्ले म्यूजिक में आप उसका ऐप ले सकते हो, या ऑनलाइन सर्च करके बहुत सारी ऑल लैंग्वेजेस में आपको इधर सॉन्ग्स मिलेंगी। और इधर क्रोमे कास्ट, इधर भी प्ले स्टेशन है, या इसमें आपको टीवी या एफएम या म्यूजिक सब ऑप्शंस मिलेंगे। और इधर गूगल प्ले मूवी एंड टीवी, ये भी एक गूगल का अलग ही प्ले का प्रोडक्ट है। उसके नीचे जाते हैं डू डू मोर विच एंड डिवाइस मेड बाय गूगल, इधर गूगल का फिक्सल टू द हिंगेस्ट रेटेड एंड स्मार्टफोन कैमरा, मतलब ये कैमरा का एप्लीकेशन है फिक्सल टू। गूगल होम, ये गूगल होम में हैंडस फ्री एंड टू साइजेस, और इधर ड्रीम वेव, इधर गूगल वाईफाई, मतलब ये इन लोगों की प्रोडक्ट्स हैं जो गूगल की, ये एक ये दिए गए हैं, ये सब गूगल की प्रोडक्ट्स हैं। उसके नीचे जाए देखते हैं जो एंड्रॉयड, मतलब स्टे कनेक्टेड अक्रॉस स्क्रीन, एंड्रॉयड फोन्स, एंड्रॉयड वॉचर्स, क्रोमा बुक्स, एंड्रॉयड ऑटो। उसके नीचे स्टे इन टच, स्टे इन टच मतलब जो आप रेगुलरली यूज करते हो, ये वाली प्रोडक्ट्स इधर सब दिखाई गई है। जो जीमेल है, जो जीमेल
हर टाइम हम लोग यूज करते हैं उसको, बहुत सारा यूज करते हैं जीमेल का। तो ये जीमेल दिया है, इधर गूगल एलो, इधर गूगल डेव, इधर गूगल प्लस, इसमें भी हम बहुत सारी नोटिफिकेशन, पिक्चर्स, फोटोस, फुल एचडी फोटोस या इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन टाइप गूगल प्लस होता है, और ये गूगल डियो ये एक वीडियो कॉलिंग का, और ये गूगल हेलो का ये चैटिंग का रहता है, और जीमेल ये एक मतलब संदेश लेन देन का पूरा फाइलिंग, कुछ फोटोज या बड़ी बड़ी फाइलिंग का लेन देन का इसमें गूगल जीमेल में होता है। और ऑर्गेनाइजेशन यूअर्स टू पी, इधर आपको फोटोज गूगल फोटोज में बहुत सारी ढेर सारी क्वालिटीज की बहुत सारी फोटोज मिलेगी। कॉन्टैक्ट्स में आपको योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एड्रेस एंड टुगेदर एंड लास्ट, मतलब आपको इधर अपना नंबर लिंक करना पड़ेगा, तो वो पूरा आपका कॉन्टैक्ट इसमें वो डाटा के रूप में वो सेव करके रखेगा, और आपको भावी मतलब कभी भी आपका काम आएगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इधर कैलेंडर दिया है, गूगल का कैलेंडर, कब छुट्टी रहता है, कब वर्ल्ड डेज है, इधर सब दिखाएगा। इधर किप्स है, किप्स में न्यूज ढेर सारी रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है। वर्क स्मार्टर मतलब ये डॉक्यूमेंट्स रहती है, डॉक्स ये डॉक्यूमेंट्स रहती है, डॉक्स में डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सेव करके रखनी है या बनानी है या कोई बायोडाटा बनाना है, रिज्यूम बनाना है, ऐसे सब ये डॉक्स में। इधर कोई शीट बनानी है, एक्सेल शीट या वर्ड शीट या ऐसा कुछ बनाना है तो वो शीट्स में बना सकते हो, स्लाइड शीट्स बना सकते हो, ड्राइव में अपनी फाइल्स रिसीव करके सेव करके उसको ऑनलाइन क्लोज करके अच्छे से ड्राइव में रख सकते हो। मतलब आप मोबाइल में या लैपटॉप में रहते हो, कभी कभी मोबाइल से लैपटॉप से उड़ जाती है, उसके लिए ड्राइव गूगल ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रखा है, वो ड्राइव है, इसमें आप फाइल्स रख सकते हो। और उसके नीचे है ग्रो योर बिजनेस, आपका बिजनेस अगर बढ़ाना है तो उसके लिए गूगल ने ये ढेर सारी प्रोडक्ट दिए है आपके लिए। तो इधर देख सकते हो एडवर्ट गूगल, एडवर्ट गूगल मतलब इस पे आप ऐड कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का ऐड इधर पेमेंट करके उसका एडवर्टाइज कर सकते हो, जो एड्स आपको गूगल उसके गूगल प्रोडक्ट्स में प्ले कर देगा या यूट्यूब के वीडियोज में प्ले कर देगा या बहुत सारी प्रोडक्ट है वेबसाइट में प्ले कर देगा, दिखाई देगा आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका आपने पे किया है इधर गूगल एडवर्ड पे, तो वो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, एडवर्टाइज करता है। और गूगल एडसेंस ये एक मोनेटाइज का मतलब, अगर आप कोई यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं या आप वेबसाइट चला रहे हैं या कोई बहुत सारी ऐप्स चला रहे हैं तो उसको मोनेटाइज करना पड़ता है। तो अगर आप ये मोनेटाइज करने का मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पे ये गूगल ऐड दिखाएगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो अगर आप वीडियो डालते हैं तो आपके वीडियो के ऊपर ये ऐड दिखाएगा, शो करवाएगा, तो उसके लिए ये गूगल आपको एडसेंस के थ्रू पेमेंट देगा, मतलब पगार देगा, पैसे देगा, तो उसके लिए ये एडसेंस का ऑप्शन रहता है। और इधर एनालिटिक्स रहता है, एनालिटिक्स मतलब आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना गिरा है, कैसा बिजनेस का व्यू जा रहा है, ये सब एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो। और गूगल माय बिजनेस इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देख के सर्च में आप किधर आपको बिजनेस की ज़्यादा मतलब लाइबिलिटीज है या किधर आपको बहुत उसका रिक्वायरमेंट है, इधर माय बिजनेस में चेक करके उसका यूज कर सकते हो। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, वो नीचे सी ऑल प्रोडक्ट्स,
इसमें आप देख सकते हो एंड्राइड ऑटो। इसका इतना मेरे को अभी मालूम नहीं है कि एंड्राइड ऑटो का ये प्रोडक्ट्स का इतना मुझे नॉलेज नहीं, पर ये भी आप चेक कर सकते हो, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका। ये एंड्राइड ऑटो इसको भी चेक कर सकते हो, आपका इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड्राइड मैसेजेस, एंड्राइड ओएस, ये एंड्राइड वन, एंड्राइड पे पे शायद आपका अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको मोनेटाइज करके इधर एंड्राइड पे में उसको इंस्टॉलिंग करना पड़ता है और उसको पब्लिश करना पड़ता है, तो ये एंड्राइड पे आपको पैसा दे देती है, ऐसा इसका बिजनेस चलता है। एंड्राइड फोन्स, एंड्राइड टैबलेट्स, एंड्राइड वेयर, कैलेंडर, कार्बोटर, क्रोमा, एक क्रोमा तो मालूम है, एक सर्च मतलब गूगल का सर्च इंजन ऐप है, गूगल वेब स्टोर में आपको दिखाया मैंने कि वेब स्टोर में ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप मतलब ऑनलाइन ऐप रहती है जो आपको इधर ये वाली दो रखी है, ऐसे आप ये वेब स्टोर के ऐप रख सकते हो। इधर क्रोमा बुक है, कॉन्टैक्ट, डॉक्स, ड्राइव, अर्थ में जैसा नाम है वैसा ही अर्थ में एक आपको पूरा वर्ल्ड मैप दिखाए मतलब नक्शा दिखाएगा पूरा, उसको इस पर क्लिक करोगे तो अर्थ आएगी, अर्थ पे आप किधर भी कौन से भी जगह पे सर्च मारोगे तो वो अर्थ आपको किधर भी उस जगह पर का पता लगा के आपको दिखा सकती है। इधर फाइनेंस है, फॉर्मा, ग्लेबोर्ड, जीमेल, ये इतनी सारी बहुत ढेर सारी प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में आप आराम से क्लिक करके आपको जो यूजफुल ऐप रहेगा इसका यूज कर सकते हो। इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, गूगल प्ले है, गूगल प्ले तो मालूम है, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले पे ही जाना पड़ता है और गूगल प्ले से ही आप डाउनलोड करते हो, तो ये तो आपका बहुत ही जानकार मतलब है गूगल प्ले, गूगल प्ले ऐप्स और टीवी है, म्यूजिक्स हैं, ये ढेर सारी वाईफाई है, हंगेस्ट है, गूगल स्टोर है, जीमेल है, कीप है, फोटोज है, पिक्सल 2 है, प्रोजेक्ट है, सर्च है, साइट है, टिंग एंड ब्रश, ट्रांसलेशंस, वॉइस विज, और नीचे इधर यूट्यूब भी दिया है। यूट्यूब ये एक अलग है ऐप, और यूट्यूब गेमिंग मतलब इस पे गेम ही रहेंगे, जो आप हम एप्लीकेशन यूज करके गेम खेलते हैं वैसे ये गेमिंग का पूरा ऐप रहेगा। यूट्यूब किड्स मतलब इस पे पूरा बच्चों का रहेगा, जो बच्चों के वीडियोज रहेंगे, सॉन्ग्स रहेंगे, स्टोरीज रहेंगे, ये सब यूट्यूब किड्स में दिखाई देंगे। और यूट्यूब टीवी में खाली चैनल्स रहेंगे या मूवीज रहेंगे, सीरियल्स टाइप के सब दिखाएंगे। और ये यूट्यूब है, इस पे ऑल सब्जेक्ट इस पे दिखाए जाते हैं। अभी ये सब हमने देख लिया, अभी इसके बारे में जानकारी लिया फॉर ऑल, अभी हम देखेंगे फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस में कौन से ऑप्शंस आते हैं, जो आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हो या आपका ऑफलाइन बिजनेस है, कौन सा भी बिजनेस है, पर ये फॉर बिजनेस में आपको हर एक एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है, तो इसका आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। इसमें एड मॉब है, एड मॉब में आप एडवर्टाइज को मोनेटाइज कर सकते हो, या एप्लीकेशन अगर आपका एप्लीकेशन है तो उसको मोनेटाइज करके इधर से पैसा कमा सकते हो, या एडसेंस का आपको मैंने बताया, अगर आपकी आपका वेबसाइट है या आपका यूट्यूब चैनल है या आपका कौन सा भी एप्लीकेशन है उसको मोनेटाइज करके इधर रजिस्टर करके उससे पैसा कमा सकते हो। और एडवर्ट में आप वर्ड्स प्लान कर सकते हो, एडवर्ट में आपको
वर्ड्स प्लानर्स का उपयोग कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, या आप इधर इधर आप एडवर्ड्स में ऐड लगाने का, अगर आपको ऐड देना है, आपका अगर कुछ प्रोडक्ट्स है या कुछ आप चला रहे हो ऑनलाइन बिजनेस, तो उसका ऐड देना है, तो इधर एडवर्ड्स में इस ऐड देके पेमेंट करके उसको शो करा सकते हो। और नेक्स्ट है एडवर्ड्स एक्सप्रेस है, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। एनालिटिक्स में आपका बिजनेस का पूरा बायोडाटा इधर दिखा सकता है, दिखाएगा। ये एंड्रॉयड है, ब्लॉगर है, ब्लॉगर आपको मालूम ही रहेगा, जैसे कि यूट्यूब यूज करते हो वैसे ब्लॉगर भी एक बहुत अच्छा पॉपुलर और अर्निंग देने वाला एक वेबसाइट, मतलब ऐप से प्रोडक्ट है जो गूगल का है। इसमें आप वेबसाइट बना के उस पर ऐड दिखा के इधर से भी पैसा कमा सकते हो। और क्रोमा तो मालूम है, एक सर्च इंजिन है जो गूगल का है, डिजिटल अनलॉक है, इधर डबल क्लिक बाय गूगल है, जीमेल सर्टिफाइड शॉप है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। मर्चेंट है, बिजनेस है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, स्ट्रीट्स, इधर गूगल सर्वे करके दिया है, ये गूगल सर्वे ये भी एक आज बहुत पॉपुलर हो रहा है, मतलब आपको ये गूगल एक कंपनी के बारे में, उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में एक सर्वे देगा, आपको वो सर्वे पूरा करना है, उसके बारे में गूगल आपको $20, $30, $40 ऐसा पेमेंट कर देगा। तो ये एक गूगल सर्वे एक बहुत ही पॉपुलर साइट है। गूगल टैग मैनेजर है, गूगल ट्रेड है, गूगल वेब डिजाइनर, गूगल ब्रांड्स है, लोकल एंड एड्स, और इधर सर्च कंसल्टेंसी विच, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने देख लिए। अभी लास्ट का जो है वो फॉर डेवलपर में आता है, ये ऐप टेस्टिंग, मतलब एप्लीकेशन टेस्टिंग का काम दिया जाता है, जो मतलब फॉर डेवलपर जो इंजीनियर्स ऐसे रहते हैं लोग, उन लोगों का ये सब काम रहता है, इधर का ये अपना काम नहीं है। तो इधर कोल्ड कंपिंग है, डिवाइस है, इंगेजमेंट है, गेम सर्विस है, ग्रोथ है, मैप्स एंड लोकेशन, मोनेटाइजेशन, माउंटेन एंड पेमेंट हिस्ट्री, ये सब उनकी सर्विसेज है। तो हमने सब के बारे में जानकारी ले ली कि इधर कितनी सारी ऑप्शन दी हुई है जो आपको यूजफुल है। तो अभी आपको अगर इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स यूजफुल है तो उसका इधर से गूगल प्रोडक्ट्स में से यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत सर्व गूगल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड फेमस नेटवर्क है, जो आप जान सकते हैं, गूगल सर्च है, यूट्यूब है, या क्रोमा है, जीमेल है, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक कंपनी है, बहुत अच्छे इनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका पूरा सेटिस्फेक्शन आंसर देने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछने का रहेगा तो उसके बारे में पूछ सकते हो और जानकारी ले सकते हो, या आप YouTube पे जाके उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च मार दीजिए, बहुत सारी जानकारी अच्छे से आपको मिल जाएगी जो दूसरे से पूछने से बेहतर रहेगी। तो आप उधर से भी चेक करके बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेके उस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो और अपना लाइफ बेहतर बना सकते हो, जो गूगल का इतना बड़ा सर्विस आपको मिल रहा है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना है, अगर आपको कोई भी कंडीशन या कोई भी किसी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपका आंसर देने के लिए हर टाइम तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो चलो फ्रेंड्स।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। ढेर सारी मैं नई वीडियो लेके आता हूँ और बहुत अच्छी वीडियो लेके आता हूँ जो आपको यूजफुल रहे, और बहुत सारी अर्निंग की वीडियो लेके आता हूँ जो ऑनलाइन बिजनेस काम कैसे करें उसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आता हूँ। तो आप मेरी वीडियो देखती रहे, और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।